नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको लाइकेन प्लानस हाइपरट्रोफिकस के बारे में बताएंगे। लाइकेन प्लानस एक ऑटोइम्यून बीमारी है, इसका ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है और यहाँ पे सिर्फ हम लाइकेन प्लानस हाइपरट्रोफिकस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बीमारी क्या होता है, क्यों होता है और इसको आप कैसे पहचानेंगे और इसका इलाज के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते टॉपिक। लाइकेन प्लानस एक ऑटोइम्यून बीमारी है। ऑटोइम्यून बीमारी मतलब अपने बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो कभी कभार गड़बड़ हो जाता है, यानी वो अपने सेल कौन सा है, बाहर का सेल कौन सा है, उसको नहीं पहचान पाता है। नॉर्मल क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम बाहरी चीज़ जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीज़ से हमको बचाता है, हमको प्रोटेक्शन देता है। कभी कभार क्या होता है, वो अपने ही सेल कौन सा है और बाहर का सेल कौन सा है इसको पहचान नहीं पाते हैं और गलती से अपने ही स्किन का टिश्यू को डैमेज करने लगते हैं, तो इसीलिए ये बीमारी होता है। लाइकेन प्लानस एक ऐसा बीमारी है जो सर से लेकर पाँव तक कहीं पे भी अफेक्ट कर सकता है। ये सर में अगर होता है तो आपका हेयर लॉस होता है, मुंह के अंदर अगर होता है तो छाला पड़ जाता है, नाखून में अगर होता है तो नाखून टूट जाता है और बॉडी में जब होता है ऐसे जिसे फोटो में देख रहे हैं नीला नीला काला काला छोटा छोटा दाना दाना होता है स्किन में, जो बहुत ही ज़्यादा खुजली होता है और पेशेंट इसके लिए डॉक्टर पास आता है। और ये जो छोटा छोटा दाना दाना आप देख रहे हैं लाइकेन प्लानस, ये नॉर्मल लाइकेन प्लानस होता है, जो क्लासिकल लाइकेन प्लानस बोलते हैं ये नॉर्मली बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में हम लाइकेन प्लानस हाइपरट्रोफिकस जो अभी आप फोटो में देख रहे हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये एक स्पेशल वेराइटी है लाइकेन प्लानस का। ये क्यों होता है एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन ये वाला जो स्पेशल वेराइटी का लाइकेन प्लानस है, लाइकेन प्लानस हाइपरट्रोफिकस, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, यानी क्रॉनिक डिजीज है। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका इलाज बहुत डिफिकल्ट है, इतना जल्दी ठीक नहीं होता है। ये एक ऑटोइम्यून बीमारी हमने बताया है, लेकिन कभी कभार कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट से भी ये लाइकेन प्लानस का बीमारी हो सकता है। कौन कौन सा मेडिसिन ऐसा प्रॉब्लम करते हैं, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, यानी ब्लड प्रेशर में यूज होने वाला जो दवाई होता है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर ग्रुप का मेडिसिन होता है प्रोपानोलोल एटेनोलोल, और एक होता है एसी इनहिबिटर्स जिसमें आपका टेलमिसार्टन लोरसार्टन ऐसा वाला दवाई आता है, और एक होता है डायुरेटिक ग्रुप, ये वाला दवाई भी करता है। पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक है, इससे भी आपका लाइकेन प्लानस का बीमारी हो सकता है। और एक होता है एंटी मलेरियल्स जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्लोरोक्विन आता है, ये भी आपका लाइकेन प्लानस का बीमारी कर सकते हैं। कभी कभार कुछ पेन किलर खाने के बाद भी लाइकेन प्लानस हो सकता है। तो ऐसा कोई भी दवाई के साइड इफेक्ट्स हो सकता है, लेकिन हमने जो दवाई का नाम बोला वो कॉमन है, उससे नॉर्मली लाइकेन प्लानस होता है। तो चलिए जानते हैं क्लिनिकल फीचर के बारे में, यानी क्या लक्षण होता है अगर किसको ये लाइकेन प्लानस हाइपरट्रोफिकस होता है। तो ये जो लाइकेन प्लानस हाइपरट्रोफिकस, इसको शॉर्ट फॉर्म में LPH बोलते हैं, ये LPH नॉर्मली आपका पैर में होता है, एंकल के साइड में होता है, कभी कभार हाथ में होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये लेग में यानी पाँव में होता है। जब कभी किसी को ये होता है बहुत ज़्यादा ही खुजली करता है और धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है, अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं करता तो ये और बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है। और लॉन्ग लास्टिंग केसेस में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा नामक एक स्किन का कैंसर भी इसमें हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इस बीमारी के लक्षण के बारे में, क्या होता है प्रॉब्लम पेशेंट को। नॉर्मली पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली होता है और ये एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, देखने में खराब लगता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। लेकिन कभी कभार ये लॉन्ग लास्टिंग यानी बहुत ज़्यादा दिन रहने के बाद इससे स्किन कैंसर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, यानी देखने के बाद आपका जो स्किन का डॉक्टर है ये डायग्नोसिस कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि और कुछ बीमारी है जो देखने में एक जैसा लगता है। वो क्या होता है, फर्स्ट होता है लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस, इसका एक ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, आप आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। सेकेंड होता है सूर्येसिस, रूपोइड सूर्येसिस नामक एक बीमारी है जो ऐसा दिखने को लग सकता है। और एक होता है नेक्रोलाइटिक एक्राइल इरिदिमा, ये भी एक स्किन का प्रॉब्लम है जो एकदम ऐसा कभी कभी लगता है। और एक होता है लाइकेन अमाइलोडोसिस, तो ये कभी कभार अगर कन्फ्यूजन होता है ये सारे केसेस के साथ तो उस केसेस में डॉक्टर आपको स्किन बायोप्सी करने के लिए देते हैं, यानी चमड़ा का छोटा सा टुकड़ा वहाँ से काट के लैबोरेटरी में भेजते हैं और उसका बायोप्सी से कन्फर्म होता है कि लाइकेन प्लानस हाइपरट्रोफिकस है। तो चलिए लास्ट में जानते हैं इसका इलाज के बारे में। ट्रीटमेंट में
हम पहले क्रीम देकर ट्राई करते हैं, अगर ये ठीक हो गया तो बहुत अच्छा है। क्रीम में क्या दिया जाता है, फर्स्ट होता है पोटेंट टॉपिकल स्टीरॉयड क्रीम, जैसे कि हैलोबेट्रासल, क्लोबेट्रासल, इसे स्टीरॉयड क्रीम दिया जाता है। और अगर लगाने वाला क्रीम से ठीक नहीं होता है तो खाने का स्टीरॉयड भी दिया जा सकता है। खाने का जो स्टीरॉयड है कितना डोज में चलेगा और कितना दिन तक चलेगा ये आपका स्किन का डॉक्टर ही बताएंगे। अगर किसी को ओरल स्टीरॉयड यानी खाने का दवाई हम नहीं दे सकते, अगर एक दो साइड में सिर्फ छोटा छोटा स्किन का लीजन है, स्किन का रैसेस है, तो उस केसेस में इंट्रा लीजनल स्टीरॉयड इंजेक्शन दिया जाता है। ये बहुत ही इफेक्टिव है और इससे साइड इफेक्ट भी कम होता है। लेकिन ये क्वालिफाइड डॉक्टर से लीजिए, क्योंकि कोई भी इसको दे नहीं सकता है। अगर इसका डोज ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे स्किन परमानेंटली एट्रोफी यानी स्किन नीचे दब सकता है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। ऐसे ये इंजेक्शन दिया जाता है। अगर कोई स्टीरॉयड नहीं लेना चाहता है, उस केसेस में साइक्लोस्पोरिन नामक दवाई आता है, उसको भी दिया जा सकता है। लेकिन ये देने से पहले बहुत सारा टेस्ट करने की जरूरत होता है। लेकिन साइक्लोस्पोरिन का जो मेडिसिन है ये थोड़ा कॉस्टली है। अगर साइक्लोस्पोरिन भी कोई खरीद नहीं पा रहा है तो उस केसेस में मेथोट्रेक्सेट नामक और एक दवाई है, उसको दिया जाता है। लेकिन ये भी बहुत पावरफुल दवाई है, ये लेने से पहले ब्लड की टेस्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि इस बीमारी में बहुत ज़्यादा खुजली होता है। तो खाने के लिए एंटी एलर्जिक दवाई जैसे आता है लिवोसेट्रिजिन, सेट्रिजिन, फेक्सोफेनाइडिन, लोरट्रिटिन, बेलास्टिन, ये सारा दवाई भी डॉक्टर आपको खाने के लिए देते हैं। तो चलिए लास्ट में जानते हैं प्रोग्नोसिस, यानी क्या ये बीमारी परमानेंटली ठीक हो जाता है, एक बार में ठीक हो जाता है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, एक बार में ठीक होने वाला बीमारी है ही नहीं है। कभी कभार किसी का एक बार में ठीक हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये क्रॉनिक है, यानी ठीक हो जाता है फिर दोबारा रिटर्न आने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए आप अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस से ही बीमारी बढ़ता है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक लाइकेन प्लानस हाइपरट्रोफिकस के बारे में। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ऐसा टॉपिक अच्छा लगता है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई दूसरा टॉपिक के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे कमेंट करिए, हम इसका वीडियो बना के देंगे। तो अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्ते, जय हिंद।